किसान के सम्मान में कांग्रेस मैदान में नारा लेकर आर विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व आमदार एवं कांग्रेस के नेता अमर कालिक के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर चक्का जाम रास्ता रोको आंदोलन किया गया। किसान के सम्मान में कांग्रेस मैदान में नारा लेकर विधानसभा क्षेत्र के भूतपूर्व आमदार एवं कांग्रेस के नेता अमर कालिक के नेतृत्व में राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 6 पर चक्का जाम रास्ता रोको आंदोलन किया गया। यह चक्का जाम रास्ता रोको करीब 1.5 घंटा चला। इस समय महामार्ग पर अमर काले ने 1.5 घंटा रोकते हुए महामार्ग पर ही बैठे आंदोलन किया। विधायकों के अब तक के इतिहास में आक्रामकता दिखाते हुए किसानों के खिलाफ लाए गए कानून के विरोध में अमर काले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नारा लेते हुए महामार्ग रोको आंदोलन किया गया। इस समय विधानसभा क्षेत्र के भूषण कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद थे। इस आंदोलन के दौरान मोदी सरकार ने लाए किसान के विरोध के कानून का जमकर विरोध करते हुए प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाते हुए विरोध किया। इसके बाद कांग्रेस के नेता अमर काले इनको पुलिस ने हिरासत में लेते हुए पुलिस जीप में पुलिस स्टेशन ले जाने का प्रयास किया, लेकिन अमर काले ने और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पैदल ही पुलिस स्टेशन जाकर शांतिपूर्वक पुलिस को सहकार्य करते हुए खुद ही पुलिस को कार्यवाही करने के लिए आगे आकर समर्थन किया। बीसीएन न्यूज के लिए कारंजा खाड़के से कैमरामैन नीलेश भुयार के साथ रुपेश मस्के की रिपोर्ट। महामार्ग क्रमांक रोखलेला आहे, आपण त्यांच्याशी संवाद साधतोय, आपण त्यांच्याशी बोलू की काय त्यांचं म्हणणं आहे। केंद्र सरकारने संसदेमध्ये केवळ बहुमताच्या आधारावर जे 3 कृषी विधेयक हे पारित केले, त्या 3 कृषी विधेयकाला या देशातल्या सर्व शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे आणि हे कृषी कायदे हे परत घेण्यात यावे, मागे घेण्यात यावे या मागणीकरता या देशातले शेतकरी मागील 2 महिन्यापासून दिल्लीच्या थंडीमध्ये कडकडीत थंडीमध्ये